दीदी जायका में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही टोस्ट, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। शाही टोस्ट बनाने के लिए मैंने लिया है 7 से 8 पीस ब्रेड, 250 ग्राम शक्कर, थोड़ा सा नारियल चूरा गार्निश के लिए काजू और क्रीम, और ब्रेड को तलने के लिए हमें चाहिए होगा तेल, तो उसे मैंने कढ़ाई में डाल के रखा है। सबसे पहले हमें शक्कर की चाशनी बनानी होगी, तो इस बर्तन को मैं गैस के ऊपर रखूंगी। एक गिलास शक्कर है तो हम एक गिलास इसमें पानी डालेंगे और गैस चालू करेंगे। इसे हमें एक तार की चाशनी बनाना है। हमारी चाशनी तैयार हो रही है। जब तक हम ब्रेड को डीप फ्राई कर लेते हैं, ब्रेड को हम 20 से आधा कट कर लेंगे इस तरीके से। मैंने पहले से कट करके रखा हुआ है, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। जब तक तेल गरम हो रहा है, हम देखेंगे हमारी चाशनी बनी है या नहीं। एक प्लेट में थोड़ी सी चाशनी डाल के देखेंगे। गाढ़ी हुई है या नहीं। हमारी चाशनी बन गई है। इसे हमें ठंडा करने के लिए रखना होगा। क्योंकि ब्रेड को गर्म चाशनी में नहीं डालना है। तेल गरम हुआ या नहीं हम ब्रेड डाल के देखेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है। इसे हल्का गुलाबी तलना है। इसी तरह हमें सारे ब्रेड तल के निकाल लेने हैं। मैंने सारे ब्रेड तल के निकाल लिए हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। इधर हमारी चाशनी भी बन गई है। इसमें मैं फ्लेवर के लिए डालूंगी थोड़ा सा इलायची पाउडर। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और गैस बंद कर दूंगी।
जो ब्रेड मैंने तल के रखी है उसे एक एक करके चाशनी में डाल के निकालना है। इसे बहुत देर तक दुबा के ना रखें, नहीं तो ये नरम हो जाएगा, फिर खाने में टेस्टी नहीं लगेगी। मैंने सारे ब्रेड चाशनी से निकाल लिए हैं। अब हमारी इतनी चाशनी बच गई है, उसके लिए मैं आप सबको एक ट्रिक बताना चाहूँगी। जैसे कभी भी हम गुलाब जामुन या शाही टोस्ट बनाते हैं और हमारी चाशनी बच जाए, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसे थोड़ा गरम कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा 1 पिंच येलो कलर मिलाऊंगी। थोड़ा सा और ऐड करूंगी। और हम मार्केट से जो बूंदी लाते हैं रायता बनाने के लिए, इसे हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इस बूंदी को मैं इस चाशनी में डाल दूंगी। इसे 1 से 2 मिनट तक चलाना है लो मीडियम फ्लेम पे, और गैस बंद करके इसे ढक के रख देना है। इसे 10 मिनट के लिए रख दें ताकि बूंदी चाशनी एब्जॉर्ब कर ले। हमारे शाही टोस्ट तैयार हैं। आप इसे सर्व करने के समय इसमें क्रीम लगा के और ड्राई फ्रूट्स और नारियल चूरा डाल के भी सर्व कर सकते हैं। हम इसे खोल के देखेंगे कि बूंदी ने चाशनी एब्जॉर्ब की है या नहीं। हमारी बूंदी भी तैयार है, ये देखिए। है ना बिल्कुल मार्केट जैसी बूंदी। एक ही चाशनी में 2 प्रकार का स्वीट बनाइए और अपने पूरे परिवार को खिलाइए। हम इसे खोल के देखेंगे कि बूंदी ने चाशनी एब्जॉर्ब की है या नहीं। हमारी बूंदी भी तैयार है, ये देखिए। है ना बिल्कुल मार्केट जैसी बूंदी। एक ही चाशनी में 2 प्रकार का स्वीट बनाइए और अपने पूरे परिवार को खिलाइए। मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।